सिंध भर में 9 रोज के सख्त लॉकडाउन में आज से नरमी कर दी गई है। जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई। शहरियों ने सुख का सांस लिया। कहते हैं कि लॉकडाउन से कारोबार में बहुत नुकसान हुआ। हुकूमत 2 रोज के मुकम्मल लॉकडाउन को खत्म करे और औकात कार भी बढ़ाए जाएं। सिंध में आज से लॉकडाउन नर्म। शहरियों को मिला थोड़ा सा रिलीफ। दुकानें खुल गईं, ट्रांसपोर्ट चल गई, कारोबारी जिंदगी बहाल। आवाम में कुछ निहाल, कुछ बेहाल और कुछ हुकूमत से नाला। कहते हैं कारोबारी जिंदगी बिल्कुल ठप हो गया है। गरीब गरीब तर होता जा रहा है। लॉकडाउन से सरासर नुकसान है। टोटल लॉस, हम तो लॉस ही कहेंगे इसको। हमारा कारोबार दिन ब दिन बैठता जा रहा है, लेकिन चूँकि अल्लाह की जात है, उसने वादा किया रोजी देने का, इस भरोसे हम आ रहे हैं। सखर के ताजिर कहते हैं हुकूमत के साथ खड़े हैं, SOPs पर अमल करेंगे, लेकिन 2 दिन के लॉकडाउन से बहुत मुश्किलात हैं। बिल्कुल, ताजिर इस वक्त बहुत खुश हैं, मगर वो जो लॉकडाउन लगा था 10 दिन का लवल, तो वो भी लगना नहीं चाहिए था। हम हर तरह से सिंध गवर्नमेंट का साथ देने को तैयार हैं, मगर ये जो 2 दिन का लॉकडाउन फिर रखा गया है, इससे ताजर नाखुश हैं, क्योंकि ताजरों को इस पिछले लॉकडाउन में भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी गई। सूबे में जुम्मे और इतवार को सेफ डेज के मौके पर कारोबार बंद होगा। लॉकडाउन 31 अगस्त तक नाफिज़ अमल रहेगा।